First, let's understand what is cosmic healing. Cosmic healing is about the Brahmand, the cosmos, the power, force, and pran shakti bolte hain. अगर आप साइंटिफिक नेम देना चाहे तो क्या देते हो? ईथर, स्पेस, बिकॉज हम जुड़े हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस से. हमारा ऑरा इज मेड अप ऑफ बायोप्लास्मिक मटेरियल, जो हमसे थोड़ा सटल एनर्जी है. यूनिवर्स किससे बना है? सबसे ज्यादा सटल एनर्जी से बना है. इसीलिए हवा दिखता भी नहीं है आपको. हवा दिखता है आप लोगों को? अगर हवा दिखने लग जाए तो हम बोलेंगे भूत है ना. सो इट इज वेरी वेरी फाइनर पार्टिकल, दैट इज द एनर्जी ऑफ कॉस्मोस. इट इज नॉट लाइक योगा और एनी फिजिकल एक्टिविटीज, बट इसकी एनर्जी आप कैसे ले सकते हो? योगा वगैरह क्यों करते हैं? ताकि हमारी बॉडी में जहां जहां पे भी स्टिफनेस है, या हमारा जो ची एनर्जी है, हमारा जो वाइटल फोर्स है, उसको हम एनहांस करते हैं थ्रू एक्सरसाइजेस, थ्रू फूड, थ्रू मेडिटेशन, राइट? जो भी पूरा इस बॉडी को जो जरूरत है, क्योंकि बॉडी इज अ व्हीकल. बॉडी किस लिए है हमारे पास? हमारा कर्म भोगने के लिए हमें बॉडी की जरूरत है, एंजॉय करने के लिए बॉडी की जरूरत है. आज रसगुल्ला खाने का मन है, वो तो बॉडी को ही चाहिए ना, आत्मा को तो नहीं चाहिए खाना. अच्छा मेकअप करके आना है, किसको चाहिए? बॉडी को ही चाहिए. सोल तो ऑलवेज अमर है, राइट? फूड, मनी, सेक्स, सब किसको चाहिए? ओनली फॉर बॉडी. आत्मा को इन सबसे कोई वो नहीं है. आत्मा क्या करता है? आत्मा इज कनेक्टेड विद द यूनिवर्सल एनर्जी. आत्मा गिव्स यू अ टारगेट कि भाई इस जन्म में तुम्हारा ये काम है, ये भोगने के लिए तुम नीचे पैदा हुए हो, राइट? सो इसके ये हम कैसे कॉस्मिक एनर्जी हीलिंग कैसे प्रैक्टिस करके अपना बॉडी और माइंड को नेचुरली आप हील कर सकते हो. इसके लिए कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है, किसी तरीके के एक्सरसाइजेस की जरूरत नहीं है. इट्स अ हीलिंग प्रोसेस जो हमें ईथर यानी स्पेस के एलिमेंट से हम हीलिंग करेंगे, जिससे पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बढ़े और हैप्पीनेस, हमेशा इनर हैप्पीनेस. एज अ हीलर जब भी किसी से भी कनेक्ट करते हैं, आपने ये प्रोग्राम क्यों सुन रहे हो? बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन हीलिंग, राइट? जब आप हीलिंग मोडालिटी में आ जाते हो, दैट मीन्स आपने पहले ही अग्रीमेंट कर लिया है कि मैं पॉजिटिव एटीट्यूड रखूंगा.